हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एक्सेल मेड इजी। मैं हूं आपका एक्सेल गुरु और आज का फॉर्मूला लेके आया हूं। वेल, आज का फॉर्मूला मैं लेके आया हूं आपके लिए। ये फॉर्मूला ना होके फीचर है जिसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। इसके कई जगह काम आता है ये डेटा वैलिडेशन। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके ज़रिए आप मिस्टेक्स को रोक सकते हैं कुछ काम में, एक्सेल में डेटा एंट्री के टाइम। इसके ज़रिए आप डेटा बहुत जल्दी एंटर कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है आप अपनी कस्टम लिस्ट बना सकते हैं ताकि अगर आप काम किसी जूनियर को या किसी कलीग को या किसी पीयर को डेलीगेट कर रहे हो साथ साथ में, तो सॉरी बीच में इंटरवेंशन आया था, कंप्यूटर कुछ ना कुछ बोलता रहता है, अच्छा रहता था पर नहीं मारता बस। तो अगर आप काम किसी को डेलीगेट कर रहे हो तो वहाँ पे ये चीज़ काम आती है। इसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। बहुत बेहतर फीचर है, आइए मैं आपको सिखाता हूँ ये करता काम कैसे करता है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये देख रहे हैं लोकेशन, प्रोडक्ट नेम, यूनिट सोल्ड और ये है एरिया। मान लीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं बिग बाज़ार का, ठीक है। बिग बाज़ार में हम ये अलग अलग एरिया हैं, मान लीजिए 18 टेरिटरीज हैं जहाँ पे कि बिग बाज़ार के स्टोर्स हैं और वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं और वो प्रोडक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, लिस्ट है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बेचते हैं। टीवी, फ्रिज, सीडी प्लेयर, एलसीडी और मेरा सबसे फेवरेट प्लेस्टेशन 3। मन है खरीदने का, भी खरीद नहीं पाया, खरीदूंगा जरूर। लेकिन सो मान लीजिए कि अगर एंट्री करनी है कि भाई इनके अलग अलग स्टोर्स पे क्या क्या कितने कितने यूनिट सोल्ड हुए, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे करते में कई बार गलती हो जाती है, भाई टीवी के बदले एलसीडी, टीवी, ईटीवी, कुछ भी गलती से लिखा जा सकता है। फ्रिज की स्पेलिंग में हो सकता है कोई फज लिख दे, कोई फज लिख दे, प्लेस्टेशन में कोई वहाँ भी गलती कर सकता है। तो आप इसके लिए एक लिस्ट बना सकते हो ताकि वही चीज़ एंटर हो, उसके अलावा दूसरी चीज़ एंटर ही ना हो। इसको इंग्लिश में ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, गिरा हुआ मेन्यू। सो वो लिस्ट बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। लिस्ट बनाने के लिए हमको यहाँ के डेटा टैब में ये रिबन जो दिख रहा है हमको, एक्सेल का रिबन है ये, इसकी इस डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ऑलराइट, नाउ ये सेटिंग्स, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट, ये आपको सब सिखाऊंगा मैं। इसमें जाके अलाउ, क्या अलाउ करना चाहोगे आप, अलाउ पे जाके आप लिस्ट पे क्लिक कर दो। ऑलराइट, जहाँ पे इग्नोर ब्लैंक और इन सेल ड्रॉपडाउन होना चाहिए ताकि अगर बीच में कहीं पे जहाँ पे आप लिस्ट बनाओगे वहाँ पे तब बता दूंगा इसका फीचर कि अगर ये मान लीजिए मेरी लिस्ट है ना, अगर इसके बीच में कुछ ब्लैंक रहे तो भी चलेगा इसको, तो ब्लैंक को दिखाएगा नहीं, आपको सिर्फ वैल्यूज दिखाएगा। और इन सेल ड्रॉप डाउन यानी कि जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मेन्यू दिख जाएगा, ये इन सेल ड्रॉप डाउन बोलते हैं, देख रहे हैं आप इसको, यहाँ पे मैंने क्लिक करा और ये ड्रॉप डाउन बन गया, यही मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो ये पूछ रहे हैं हमसे सोर्स, कि सोर्स कहाँ पे है हमारी, तो सोर्स हमारी दिखाने के लिए यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमारी सोर्स हो हमें एक जगह कहीं ना कोई सोर्स बना के रखनी पड़ेगी। देखिए मैंने सोर्स यहाँ पे बना दिया, ये लिस्ट यहाँ से उठाएगा, इसको मैं करने के बाद ओके कर दूँगा और ये देखो क्या हो गया, वोइला, ये लिस्ट यहाँ पे बन गई। टीवी, फ्रिज, सीडी प्लेयर, एलसीडी, प्लेस्टेशन। अब आप देखो यहाँ पर प्लेस्टेशन डाला, इसके अलावा कुछ और डाल के देखते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ शायद माइक्रोवेव में लिखा था, माइक्रोवेव डाला मैंने, क्या बोल रहा है, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, अ यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज दैट कैन बी एंटर्ड इनटू दिस सेल, ठीक है। इसको कैंसिल कर देंगे। दिस इज व्हाट इज डेटा वैलिडेशन थ्रू अ लिस्ट। इसमें अब इसको यहाँ पे लगाया हमने, बाकी जगह कैसे लगाना है इसको आप कंट्रोल सी कर लो, कॉपी कर लो आप, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे अपने वैल्यूज़ लगा, ये फॉर्मेट लगाना है, वहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर दो, सॉरी कंट्रोल इसको आप करोगे पेस्ट स्पेशल, राइट क्लिक करोगे, पेस्ट स्पेशल करोगे और ये वैलिडेशन पे दिख रहा है यहाँ पे, हाँ वैलिडेशन पे देखिए रेडियो बटन ब्लू हो गया, उसको ओके कर दोगे तो ये लिस्ट कॉपी हो गई वहाँ पे। अब आप यहाँ पे कहीं पे भी चुनोगे, टीवी, फ्रिज, लिस्ट, एलसीडी, प्लेस्टेशन, ये यहाँ पे आ गया। अब मान लीजिए इसमें एक और फीचर है, कैसे उसको ऐड करना है, मान लीजिए लिस्ट को आपने एडिट करना है, करना पड़ सकता है, वो भी आपको सिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मेरा एक छोटा सा कमर्शियल, ये जो आप शीट देख रहे हो डेटा वैलिडेशन विद लिस्ट फीचर की,
ये अवेलेबल है मेरे खुद के वेबसाइट excelmadeeasy.weebly.com पे। और इसका डिफ़िकल्टी लेवल ईजी लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से ईजी नहीं होना चाहिए। आप क्या बोलते हैं, मैं इसको मीडियम लिखूँगा, ठीक है। इसका डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम है और ये मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है excelmadeeasy.weebly.com पे। वहाँ पे आप जाएं, ये रहा मेरा वेबसाइट, ये रहा उसका URL। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मेरा पेज दिख जाएगा, जहाँ पे ट्रेनिंग फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये फाइल डाउनलोड करने से फ्री मिल जाएगी, आप ताकि बाद में प्रैक्टिस कर पाओ, रेफरेंस के लिए यूज़ कर पाओ, एक्सक्यूज मी, या किसी को कभी फ्यूचर में काम पड़ सकती है तब यूज़ कर पाओ। आप यहाँ पे ये जो आइकन दिख रहा है एक्सेल का, इस पर अगर क्लिक करोगे तो मेरे यूट्यूब का चैनल खुल जाएगा, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, सारे मेरे व्यूज यहाँ पे हैं। आप सब्सक्राइब पे क्लिक कर सकते हो, साइन इन या साइन अप कर दोगे, बहुत आसान है। तो आपको जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा आपको वीडियो के बारे में ईमेल आ जाएगी। और ये रहा कमेंट सेक्शन, अभी तक किसी ने कमेंट नहीं करा, मैं चाहूँगा आप जाएँ यहाँ पे ऐड अ कमेंट पे क्लिक करें और अपना कोई ना कोई कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, या आप कुछ जानना चाहेंगे एक्स्ट्रा कोई कमेंट करना चाहेंगे करें, ठीक है। सो दिस वॉज इट, हमारा एक्सेल का लिस्ट फीचर। मैंने जैसे ब्रेक से पहले बोला था कि मैं आपको इसको एडिट करना है तो भी सिखाऊंगा, तो वो कैसे करेंगे, मान लीजिए प्लेस्टेशन के बाद अब मेरे को माइक्रोवेव भी डालना है, माइक्रोवेव और क्या डालेंगे, कोई बेहतर चीज़ LCD डालते हैं, चलिए ठीक है LCD डालते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, वापस यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, ठीक है। अब ये दिखा रहा है हमको ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट का ये वाला सोर्स है, तो मैं इस लिस्ट के सोर्स पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करा, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ और वापस जहाँ से मेरे को लिस्ट चाहिए उसको दोबारा से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ और ये मैं लिस्ट पे फिर ओके कर दूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अब इस लिस्ट को हम वापस से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी नीचे का एरिया जहाँ पे भी हमने इसको सेलेक्ट करना है कॉपी करना है, कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर स्पेशल पे जाएंगे और वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और ये नई लिस्ट यहाँ पे भी कॉपी होगी, देखो माइक्रोवेव और LCD दोनों आ गए, ठीक है। तो ये था हमारा फीचर आज का, जिसमें मैंने आपको बताया डेटा वैलिडेशन विद लिस्ट फीचर। सो दिस इज योर एक्सेल गुरु साइनिंग ऑफ फॉर द डे, हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड हैप्पी एक्सेल लर्निंग, बाय बाय।